वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड का बाजितपुर और नीरपुर गांव इन दिनों मक्खियों से कुछ इस कदर परेशान है कि अब वहां लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मानव तो मानव, जानवर भी इसके चपेट में आ गए हैं। पालतू पशु जैसे गाय और भैंस भी इसके शिकार हो रहे हैं। मक्खियों ने लोगों को कुछ इस कदर परेशान किया हुआ है कि वे ठीक से न तो खा पा रहे, न चल पा रहे, न पढ़ पा रहे और न ही रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से जी पा रहे। आखिर जाए तो जाए भी कहाँ, गांव छोड़कर जा भी नहीं सकते और मक्खियों के कारण वहां रहना भी मुश्किल। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में जब से हेचरी फैक्ट्री खुला है तब से यह परेशानी शुरू हो गई है। इसकी शिकायत प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक की गई है लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। अब यहां के लोग आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इतना मक्खी हम लोगों के यहाँ नहीं था, बहुत लोगों के यहाँ चैन में थे। जहिया से प्लांट बना दो साल से एकदम हम लोग तबाह हैं। टीचर है राम कुमार मिश्रा, वो चाय पीने के दरमियान कर मक्खी चला गया था। आज उनको डायरिया। ये है शिक्षक राम कुमार मिश्रा। चाय में मक्खी चले जाने के कारण इनकी हालत आज खराब है और मजबूरन इन्हें डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है। बोला ना एक राम कुमार मिश्रा है, उनको कल चाय पीने के दरमियान मक्खी चला गया अंदर, तो डायरिया हो गया। आज अभी उनको पानी चढ़ रहा हूँ, डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो परेशानी नहीं हुई। इसकी शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? इसको कर रहे हैं, कौन सुनता है? सर के जाम करना, नहीं तो इसमें जो है सब कुछ जोड़ा मैंने विवाद करेंगे, विवाद से समस्या सुलझ जाएगा। लगातार करेंगे तो सुनिए, इसकी शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? इसको कर रहे हैं, कौन सुनता है? सर के जाम करना, नहीं तो इसमें जो है सब कुछ जोड़ा विवाद करेंगे, विवाद से समस्या सुलझ जाएगा। लगातार करेंगे तो सुलझेंगे। यह है वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड का बाजितपुर कोसाही गांव, जहां लोग इन दिनों मक्खियों से खासा परेशान हैं, या यूं कहें कि मक्खियों ने यहां रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, वो भी सिर्फ एक हेचरी फैक्ट्री के कारण। परेशान है, जान माल जानवर भी मर गया है मेरा भी। उसे कहते कहते हम लोग परेशान हो गए, मरे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक दो बार गए भी उसके यहाँ, तो ये स्प्रे कराता हूँ, वही स्प्रे कराता हूँ, वो करवाता हूँ और कहीं मक्खी आज तक जो है दो साल से कभी भी जो है से कम नहीं हुआ, जहाँ तक बढ़ते ही जा रहा है। खाना पीना हम लोग को जो है हराम किए हुए। ग्रामीणों के अनुसार जब से गाँव में हेचरी फैक्ट्री खुली है तब से वाजिदपुर कोसाही और नीरपुर गांव के लोग मक्खियों से कुछ इस कदर परेशान हैं कि खाना सोना उठना बैठना खाना बनाना पढ़ना लिखना सब कुछ मुश्किल हो गया है। यहाँ पे इतना मक्खी जो बाहर रहते हैं तो नहीं पढ़ने देते हैं, नहीं कोई काम करने में बनता है, इसलिए मच्छरदानी लगा के आदमी पढ़ाई करते हैं, फिर खाना भी मच्छरदानी में खाते हैं, जो भी काम करना पड़ता है इसके अंदर ही करना पड़ता है। बहुत ने खाना खाई छी चैन से, ने सुतई छी, ने रहई छी, सब दिक्कत। हाँ बहुत दिक्कत है हमरा सबके, चाय नहीं पी सकलों हैं, रात में अस्थिर हो जाए तो खाना खाई छी ने, रातियों का माछी हरण करे। वैशाली जिला के पातेपुर एक गांव है बाजितपुर, जहां के लोग पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव में मक्खी कुछ इस कदर परेशान कर रहा है कि इनका जीना मुहाल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला बैठ करके अपने घर में आटा सान रही है, वो भी मच्छरदानी के अंदर। आमतौर पर मच्छरदानी मच्छर भगाने के लिए या मच्छर से बचने के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मक्खी से परेशान होकर ये लोग आटा सान नहीं है। मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि थोड़ा सा मक्खी तो यहाँ मच्छरदानी के ऊपर भी भिनक रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और पूरा गांव मैंने घूम करके देखा है, हर जगह मक्खी ही मक्खी दिखाई पड़ रही है। लोगों का कुल मिलाकर कहें तो जीना काफ़ी तरीके से परेशान हो गया है और कह सकते हैं कि इस गाँव में रहना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ जो महिला है उनसे बात करते हैं। एक बताइए कि मैंने तो घूम के देखा कि मक्खियाँ काफ़ी है,
क्या परेशानी है जो मच्छरदानी में आप बैठी हुई है? बहुत परेशानी है, पर जाने के लिए कि वो कोठी एगो खोल दिल कही है, हमरा तो जा न पबै छी, ऐसन खोल दिल कही है जे कहबो कर छी से न सुनै छै। कितना गाय मर गेल, हम सब तो किसान आदमी मर गेली गाय मरे से, गाय पोसै छी या गाय मरे से मर गेली, कितना हजार लगा दिली गाय के, आ गाय भी ठीक न है, अब बाल बच्चा पर पड़े वाला है, समझ ली आ दिक्कत है जे खाना पीना पढ़ना लिखना एगो दाना माने खाना ही मुश्किल भेल है कि रोटी भात मुंह में न जाए दे या मक्खी, यही दिक्कत है। मच्छरदानी लगेले छी, आटा न सानब मच्छरदानी में तो रोटी आटा में मच्छर गिर जाए, माछी गिर जाए, आ अब अखनी वाला माछी है से पिलुआ वाला बड़का बड़का माछी आयल है, चल कर देखू नादी में देखू घर में देखू किचन में तेल मच्छरदानी लगा कर आटा सान रहे। कितना दिन से ही परेशानी है? ई 2 साल से परेशानी है, 2 साल से। कभी शिकायत उकायत न करो? गाँव के लोग गिले बहुत शिकायत कलक, जमींदार न करे शिकायत, ओमे नौकरी करे से जिये से न करे शिकायत, ओकरो परेशानी है लेकिन तो उसे जिये नौकरी करे तो जिये न हल्ला करे। आ हम सब कई कई बार गेली मालिक के बोलबैली, दिलीप सिंह नाम है ओकरा बोलबैली, उ कोई सुनवाई न लेलक, अबैये एना एना पानी धक के दवाई छीट दैये, आ कहैये एक दिन ड्राम भी छीन लेली ओकरा से कि डराम रख मालिक के बोला कला बन आए, हम सब तो मर रही है, आ हम ही की मरे छी, मोहल्ले के आदमी परेशान है, वही लेल मच्छरदानी लगा के आटा सनै छी। कहते हैं कि परेशानी किस कदर से इन लोगों के साथ है, कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन उसके बावजूद भी हाल यह है कि यहाँ लोग मच्छरदानी लगा कर खाना बना रहे हैं, खाना सोना उठना पढ़ना लिखना बैठना तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ काफ़ी परेशानी है। और तस्वीर में आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से एक महिला खाना बनाने के लिए मच्छरदानी मजबूरी में लगाकर आटा सान रही है। वैशाली जिले का बाजितपुर गांव, ये जो पातेपुर प्रखंड में आता है, और यहाँ पर मक्खी का आतंक इतना अधिक है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अभी आपने तस्वीरों में देखा है कि किस प्रकार से यहाँ लोग तमाम काम मच्छरदानी के अंदर कर रहे हैं, बच्चे मच्छरदानी के अंदर पढ़ाई करते हैं, महिलाएँ खाना मच्छरदानी के अंदर बनाने का प्रयास करती, वहीं दिन में भी लोगों को बैठना और सोना मच्छरदानी के अंदर होता है। कुल मिलाकर कहें कि लोग इतना परेशान है या कहें कि भयक्रांत है मक्खी से कि अब इसकी वानगी इतनी अधिक हो गई है कि लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग हैं यहाँ दरवाजे पर, उन लोगों से भी बात करेंगे जी। हम लोग तो खुद अपने तरफ से अपने खर्च पर फिनाइल विनाइल छिटते हैं। आखिर आया कहाँ से मक्खी? ये अंडा वाला बगल में बनता है ना मुर्गी फार्म है, उसी में प्लांट जो है, मुर्गी प्लांट उसी से आता है। इतना मक्खी हम लोगों के यहाँ नहीं था, बहुत हम लोगों के यहाँ चैन में थे, जहिया से प्लांट बना ये 2 साल से एकदम हम लोग तबाह हैं। इससे माल कह तो दिए जो 50-60 हजार के गाय रखे हुए थे, हटा दिए, बीमारी हो जाएगा, मर जाएगा तो हमारा पूंजी डूब जाएगा, सरकार का पैसा लेके हम किए हैं, हमको बेचना पड़ा। सब्सिडी वाला गाय था, और वो मर जाता तो हमको मर ही के बचा है 11,000 बेचे। क्या क्या परेशानियाँ आखिर हो रही है यहाँ? परेशानी है ना, खाने पीने खाना बनाने पढ़ने सोने सब में परेशानी है। कोई ऐसी परेशानी गांव में हुई है जिससे लोग काफी परेशानी हुई है, इस तरह की कोई बड़ी समस्या आई हो? अब बोला ना एक राम कुमार मिश्रा है, उनको कल चाय पीने के दरमियान मक्खी चला गया अंदर, तो डायरिया हो गया आज, अभी उनको पानी चढ़ रहा हूँ, डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो परेशानी नहीं हुई। मवेशियों को क्या दिक्कत हो रही है? मवेशी भी तो मैंने देखा कि कैसे मवेशी के नादी में खाना जब कुट्टी डालते हैं तो मक्खी आके चारों तरफ से बैठ जाता है, अगर गाय चाहे बैल खा जाता है मक्खी, मुंह में उसको जाना ही है, फिर उसको मरेगा तो उसको मुँह में माछी जाए करता है, उससे उसको बीमारी होना ही है। तो शिकायत इसके नहीं करते हैं हम लोग? किसको करें, किसके यहाँ करें, कोई सुनता है इधर?
कोई सुनने वाला कोई नहीं। देख सकते हैं कि जो परेशानी है वो कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा कहना है गांव के लोगों का। कुल मिलाकर कहें कि चारों तरफ स्थिति काफी गंभीर है, और यहाँ यह भी कह सकते हैं कि इस इलाके में मक्खियों ने आतंक मचाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और इनके अनुसार इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से फातेपुर प्रखंड के वाजिदपुर और नीरपुर निवासी किस परेशानी में, वो भी महज एक छोटी सी मक्खी के कारण। इस विषय में डॉक्टर राजकिशोर सिंह, जो कि काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इससे पूरे गांव में बड़ी बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं इस कोरोना काल में इसका प्रभाव उस इलाके पर विशेष पड़ सकता है। मक्खियों से पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें मुख्य रूप से टाइफाइड, हैजा, उल्टी और दस्त होना, ये सब हो सकते हैं। मक्खियाँ जो हैं ज़्यादातर गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, मलमूत्र हुआ या गंदा कोई भी चीज़ हुआ, नाला हो गया, उसके गंदे कचरे पानी से वो बहुत सारे बैक्टीरियों का अपने साथ लेकर खाना पे बैठती है या पानी पे बैठती है, तो उसको खाने से या पानी पीने से ज़्यादातर जो है उल्टी और दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और टाइफाइड भी, और बहुत सारी ऐसे बैक्टीरिया को लेकर चलते हैं जिससे बहुत तरह की रोगें फैला सकती है। एक चौधरी जी के बीच कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में भी क्या इसका असर हो सकता है? कोरोना पे भी असर हो सकता है, क्योंकि ये गंदगी को लेके और इतना ज़्यादा मात्रा में अगर है मक्खियाँ तो उसको वो बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या में उसको वो फैला सकती है, और उससे जो है अगर उल्टी दस्त या हैजा अगर हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, तो आदमी का जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करेगा, इसके कारण जो है उस पर कोरोना का भी असर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लोगों से देश में स्वच्छता अभियान चलाने और गांव शहर सभी को साफ रखने की अपील करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैशाली जिला के फातेपुर बाजितपुर में हेचरी फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गंध और गंदगी की वजह से मक्खियों का आतंक मचा हुआ। जानकार ग्रामीणों के मुताबिक हेचरी फैक्ट्री अपने सभी नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मक्खियों ने इस इलाके में आतंक मचाया हुआ, और शिकायत करने पर फैक्ट्री ऑनर से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे में ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़, फातेपुर।